से बनाती हो। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, चारों कोण 90 डिग्री के हैं। अगर किसी आकृति में चारों भुजाएं बराबर, अनुज कुमार, अनुज आपको कोई प्रॉब्लम है? ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का, तो ये वर्ग कहलाता है, वर्ग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। इस क्वेश्चन में भुजा कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे, यानी कि 18 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर कितना जवाब आ जाएगा, 324 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, मैंने आपको बताया था यूनिट में और फंडामेंटल यूनिट्स में, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका जवाब है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर प्लेट, व्हाट इज द डायगोनल, डायगोनल किसे कहते हैं, कर्ण जो होता, कर्ण, कर्ण या विकर्ण, जिसकी कि एक भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसका हमें डायगोनल बताना है। देखिए किस तरह से करना है, ये मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इस तरह से है, ये हमारा वर्ग है, तो इसका जो ना ये डायगोनल कहलाता है, ये क्या है, डायगोनल, इस त्रिभुज ये इसके लिए, और इधर ये भी डायगोनल है, दिखाई दे रहा आपको, ये डायगोनल है दोनों। इसका क्या तरीका है, ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये जो त्रिभुज बन गया ना एक, ये ए, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग जो होता है ना, त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए, ये 2a स्क्वायर, और भुजा कितनी हो जाएगी, उसका अंडर रूट, 2a स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर का कितना आएगा, ए, और 2 का अंडर रूट 2, 2 ए अंडर रूट 2, तो यही फार्मूला है। यदि किसी, लिखो अपनी कॉपी पर, यदि किसी वर्ग में भुजा ए है तो उसका डायगोनल जो होगा वो ए अंडर रूट 2 होगा, कितना होगा, ए अंडर रूट 2। अब यहाँ पे ए कितना है, 28, अंडर रूट 2 कितना होता है, 1.414, दोनों को गुणा कर देंगे, 28 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जवाब आ रहा है देख के बताइए, 28 को 1.414 से गुणा कर दीजिएगा, इसमें मेरे ग्लास निकाल दू, मानी 39.52, 39.52 या 59 आ जाएगा, ये जो ये जवाब आ जाएगा आपका, इसका डी जवाब आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप स्क्रीन, हुज, देखिए यदि हमें साइड दी हुई है, यदि हमको भुजा दी हुई है, आराम से आराम से आराम से आराम से, यदि हमको भुजा दी हुई है और हमको क्षेत्रफल निकालना है, बंद कर दो, यदि हमको भुजा दी हुई है और क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे, भुजा का वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भुजा का वर्ग, और यदि हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमको उसकी भुजा निकालनी है, तो हमको क्या करना, वर्ग की स्थिति में हम उसे अंडर रूट कर देंगे, हम क्या करेंगे, उसे अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे 625 का अंडर रूट करेंगे, चलो चलो चलो, 625 का अंडर रूट, 625 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 25। एरिया अगर हमें दिया हुआ तो हमको भुजा निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे, और अगर भुजा दी हुई है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का वर्ग कर देंगे, 625 का अंडर रूट 25 आ जाता है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर,
एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। परिमाप किसे कहते हैं ये हमें जानना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको वर्ग बताया था जैसे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, ये आयत है, और आयत में ये हमारा ये डायगोनल है, वही जो हम कह रहे हैं पहले, और ये भी डायगोनल है। इसकी जो भुजा ये एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। यदि ये ए है ये बी है, किसी आयत में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती आयत की, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी ए बी सी डी है। यदि ए बी सी डी, इसमें क्या होगा, ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर सी डी, और ये एक दूसरे के समानांतर है, समांतर पैरेलल, और प्रत्येक कोण ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्षेत्रफल निकालने का तरीका, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप निकालने का तरीका, परिमाप परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे ये है ना, ये है, ये यानी कि ये चारों भुजाओं का योग, चारों भुजा, इसमें क्या दे रखा, ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 सेंटीमीटर है। तो इसको फार्मूला सा हम ऐसे लिख देते हैं, 2 गुणा ए प्लस बी इस 38 गुनी 76, इसका 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर जवाब आ जाता है इसका। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? निर्भीक जी थैंक यू वेरी मच, आपका जवाब एकदम सही है। ये लिख लिया सभी बच्चों ने कॉपी पर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग आयत में, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे, लंबाई चौड़ाई की गुणा। ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर द 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिया था कि यदि लंबाई 10 सेंटीमीटर है, हमको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 197, हमको लंबाई दी हुई है चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, अपनी कॉपी पे लिखो, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर 10 गुणा 8 बराबर, 10 और 8 की गुणा कर दी थी कितना आ गया 80, 80, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसका जवाब क्या आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैविंग ए बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर? देखिए इस तरह का जो ये है, इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, ये इस तरह से होगा, यदि हमारा ये है एक, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसमें हमें ये आधार दे रखा है, आधार आधार जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेस, और ये क्या है ऊंचाई, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल
का फार्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना? 10 सेंटीमीटर। 1/2 गुणा 10 गुणा 5, 10×5=50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, समझ में आ गया? क्षेत्रफल है जो ये, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है। और परिमाप का मात्रक क्या होता है? मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नंबर एक तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या है और इसका परिमाप का मात्रक क्या है? परिमाप, परिमाप का मात्रक क्या है? परिमाप में क्या, लंबाइयों को जोड़ते हैं हम, इतने सेंटीमीटर जमा इतने सेंटीमीटर जमा इतने सेंटीमीटर। निर्भीक एकदम सही जवाब। परिमाप का मात्रक है सीएम सेंटीमीटर, चीफ मिनिस्टर सीएम वो नहीं, और क्षेत्रफल का सीएम स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलीन ट्रायंगल? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलीन ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ 40 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 28 मिलीमीटर? उस विषम बाहु विषम भुज कोण त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 मिलीमीटर 40 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर और 28 मिलीमीटर है? अब हमको पता होना चाहिए स्केलीन किसे कहते हैं। स्केलीन मैंने आपको बताया था पहले भी, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज मैं थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में दो तीन चीजें बताई देता हूँ 2 मिनट में। नंबर एक तो त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं, 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी सी, भुजा नंबर ए बी, नंबर 2 बी सी, नंबर 3 ए सी या सी ए। कौन कौन सी भुजाएं? ए बी बी सी ए सी, ठीक है। यदि तीनों भुजाएं समान होती हैं, यदि समान एक बराबर हैं, तो उसको हम कहते हैं समबाहु। ये क्या है यार, लाइन कैसे खींच रही है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज अंग्रेजी में इक्विलेटरल, इक्विलेटरल माने सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर, तो उसको समद्विबाहु कहते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु या समद्विभुज त्रिभुज, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यदि कोई भी, इसको आइसोसेल्स कहते हैं। वेरी गुड निर्वीक सिंह, अगर दो भुजाएं बराबर हैं, इसको हम आइसोसेल्स कहते हैं ट्रायंगल। और यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तब इसको स्केलीन कहते हैं। स्केलीन, स्केलीन, और इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उसको आइसोसेल्स, और जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है उसको स्केलीन या विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे हम, 40, 28, 20, तीनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। ये तो भुजाओं के आधार पर है। नंबर दो, एंगल के आधार पर भी होते हैं। एंगल के आधार पर क्या होता है? यदि उसका न्यून कोण त्रिभुज होता है, अगर उसके न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि कोई कोण अधिक कोण होता है, तो उसको उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब तो 199 का 88 मिलीमीटर आ गया है, क्योंकि 28 40 + 28 + 20 40 + 20 + 28 88, और परिमाप निकालने तो मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में आ जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 450 मिलीमीटर? 450 मिलीमीटर की भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, ये मैं कल करा चुका हूँ क्वेश्चन आपको। वो तो हमारे कराने का तरीका ये होता है कि हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए ये इस तरह से है, सॉरी ये इस तरह से है, ये इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45, तीनों कोण भी बराबर होंगे।
इसका फार्मूला निकालने का तरीका क्या था, अंडर रूट 3/4 और ए स्क्वायर। ए कितना, ए बराबर 45 मिलीमीटर, 450 मिलीमीटर, सॉरी 450 मिलीमीटर है। चाहो तो आप इसे 45 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अभी अंडर रूट 3/4 × 45 × 45 ये इसका जवाब आ जाएगा। अंडर रूट 3 की जगह पर 1.732 लिख दो, × 45 × 45/4 करो, इसका जवाब आ जाएगा। क्या जवाब आया जल्दी बोलो, तीनों की 45 की 45 से गुणा कर दो, कंप्यूटर से कैलकुलेटर से कर लो यार, आपके पास से कैलकुलेटर है मोबाइल में सब पर। 45 × 45 × 1.732 732 / 4 इसका 876 ये आ गया, 450 × 450 × 1.732/4 वेरी गुड, ये आ जाएगा बराबर 876.82 मिलीमीटर। इसका यही जवाब है, इस क्वेश्चन का जवाब ये आ जाता है। एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, अब मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये कल हमने बताया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। अब मैं आपसे जो पूछता हूँ, इसकी सारी चीजें करा दूं मैं ऐसी, आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए बताया था मैंने कल आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला, एनीबडी? आर स्क्वायर, आर क्या है, त्रिज्या, आर आर क्या है, त्रिज्या, 1/2 πr² नहीं, 1/2 नहीं है, निर्भीक जी, पाई आर स्क्वायर बस। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14, और आर कितना है, और आर जो त्रिज्या हमारी होती है, व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, रेडियस बराबर डायमीटर का 1/2 × डायमीटर, डायमीटर का आधा कितना होता है, डायमीटर का आधा, रेडियस बराबर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर ठीक है, ये आपने कितना आ गया जवाब, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इसकी सबकी गुणा कर लेंगे, पाई वर्ग की जगह 3.14 लिख लेंगे, आर की जगह पे 50 का आधा 25 हो जाएगा, 25, और इसके आधार पर आप निकालेंगे तो कितना जवाब आ गया इसका, गुणा भाग कर लो यार, गुणा भाग तो कर लेंगे, कल करके भी बताया था, 1962.5 डी जवाब आ जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 202, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि जब तक आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नहीं करेंगे अपने पेन से, तब तक आपकी समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी से अपनी पेन पर अपने पेन से अपनी कॉपी पर नहीं करेंगे, समझ में आने वाला नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त, अर्ध गोला नहीं है, गोला इन्होंने गलत लिख दिया हिंदी में, गोला स्फीयर को कहते हैं, गोला जो थ्री डायमेंशनल होता, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में, अर्धवृत्त सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर का 1/2 कर देंगे, ये जो फार्मूला आपने पहले लिखा था ये यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 πr² और डाया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, पाई बराबर 3.14, 1/2 × 3.14 ×
दस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं करके बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने ये कहा था कि ये हमारा वृत्त है, सर्कल, इसका क्षेत्रफल का तरीका क्या है, ये आर है, पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। पाई कितना होता था, पाई बराबर 22/7 या 3.14, 3.14 पाई बराबर, ठीक है। और परिधि कितनी होती है, परिधि जिसको हिंदी में सरकमफेरेंस कहते हैं, 2 पाई आर। और नंबर 3, त्रिज्या बराबर जिसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, आर बराबर व्यास बटे 2, व्यास का आधा होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसको आधा करते हैं, आधा, ये जो हमारा वृत्त है इसको हमने आधा कर दिया, ये आधा जब होता है केंद्र से होगा इधर, ये जो आधा हिस्सा है ना, ये अर्धवृत्त है, इसके लिए कह रहे हैं ये, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने पाई आर स्क्वायर बताया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, ये आधा है, ये वाला पार्ट आधा है, 1/2 × 3.14 × 8, जो 20, डायमीटर बराबर 20 है, तो रेडियस कितना हो गया, 20 का आधा 10, 10 × 10, 10 × 10 100, 100 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 314, और 2 से भाग करेंगे तो 157 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब है 202 का 157, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203, 200 नंबर 3 नंबर है, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ डी बराबर 38 मिलीमीटर एंड डी बराबर 32 मिलीमीटर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मैं यहां पर इसको स्क्रीन शेयर किया, मैंने ये करता हूं मैं आपको। देखो एक सर्कल हमारा ये है और एक सर्कल हमारा ये है, ये जो हमें इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, निकालने का तरीका क्या है, इसका जो क्या दे रखा है, डी बाहर वाले का डी कितना दे रखा, डी कैपिटल डी जिसे कह रहे हैं वो 38 मिलीमीटर, और अंदर वाला जो इस ये है, ये यहां से यहां तक है, इसको मैंने यहां लिख दिया, ये डी है स्मॉल, ये डी बराबर 32 mm, ठीक है। मतलब एक तो हमारा ये है बाहर वाला, अगर हम देखते हैं पूरा का पूरा क्षेत्रफल तो ये है, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल है इसका बाहर वाले का, और अंदर वाला हमारा ये है, इसका क्षेत्रफल ये है हमारा, अंदर वाले का क्षेत्रफल ये है हमारा, तो हमारे पास कौन सा हिस्सा बचा है, ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला हमें निकालना है। निकालने का तरीका क्या है, बाहर वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर बराबर क्या है, डी बटे 2 माइनस पाई डी डी स्क्वायर, ये डी क्या है, डी ये स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर बटे माइनस पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर बराबर स्मॉल डी बटे 2, अंदर वाली त्रिज्या और बाहर वाली त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या आर है बड़ी कैपिटल आर, और अंदर वाला स्मॉल आर है, पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर पाई की जगह पाई लिख दिया, आर स्क्वायर कितना है, ये आर बराबर हमारा कितना आ गया, हमें 19 आ गया, 38/2 19, और छोटा आर बराबर हो गया 16, क्योंकि आ गया पाई 19 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग। और एक हमारा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो ये क्या आ गया, 19 माइनस 16 गुणा 19 प्लस 16, 19 माइनस 16 कितना हो गया 3, 19 प्लस 16 कितना हो गया 35 गुणा पाई कितना है 3.14, इन तीनों की गुणा कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये सबकी समझ में आया नहीं आया,
मेरी आवाज आ पा रही है प्रॉपरली? क्लियर जी क्लियर है सर, आवाज क्लियर आवाज आ रही है और आपकी क्वेश्चन भी समझ में आ गया। हमने बाहर वाला जो बड़ा वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से जो छोटा वाला वृत्त है अंदर वाला उसका क्षेत्रफल हमने घटा दिया। बाहर वाली वृत्त का जो डायमीटर था 38 था, 38, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई? 38 का आधा 19। और जो अंदर वाले की का रेडियस कितना था? अंदर वाले का डायमीटर कितना था? 32। तो उसकी रेडियस कितनी आ गई? 32 का आधा 16। तो हमने पाई आर स्क्वायर से फार्मूला निकाला, बाहर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर आर बराबर 19 और अंदर वाली वृत्त का आर पाई आर स्क्वायर आर बराबर 16। ये सब हमने किया तो हमारा जवाब आ गया ये। ठीक है, कितना जवाब आ गया? 330 लिख रहे 303 हैं, है, 330 लिखा 330 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर है यशपाल राणा ने स्क्वायर। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल इज 96। देखिए ये मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल किसे कहते हैं? ये हमको जानना चाहिए। सेक्टर ऑफ सर्किल, निर्भीक आप यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल ठीक है, एरिया और उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे ये मान लो हमारा, तो ये जो है हमारा त्रिभुज, ये केंद्र है इसका, ये त्रिज्या है और ये पूरा पूरा व्यास है। व्यास किसे कहते हैं? ये व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। ये जो एंगल यहां से अगर हम शुरू करें 0, ऐसे अगर बढ़ाते जाएं, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर 120 डिग्री है, यहाँ के 180 डिग्री हो गया, ये यहाँ का जो है ये 270 हो गया, 270 डिग्री, और यहाँ के 0 से ये 360 डिग्री हो गया लौट गया, ये पूरा यहाँ 360। तो यदि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम इस वाले एंगल का, मान लो हम ये कह रहे हैं कोई इस एंगल का, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल दिखाई दे रहा है, इसका हमें निकालना है, तो इसका वाला ये है, ये इसका क्षेत्रफल ये है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। मान लो किसी, हम कहते हैं कि इस वाले एंगल का वो निकालो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ये वाला है, ये कितना होगा? ये पूरा का पूरा एंगल कितना? 360 डिग्री है। और ये कितने एंगल के लिए कह रहा है? 96 डिग्री के लिए कह रहा है, 96 डिग्री के लिए। तो हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल है, गुणा 96, 96 सेंटीमीटर, 96 डिग्री के लिए, बटे 360। पाई की जगह 3.14 लिख लिया, आर की जगह कितना? आर बराबर 5 है, 5 का वर्ग 25 गुणा 96 बटे 360। ये कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। पाई बराबर 3.14 गुणा आर की जगह पे 5, आर का वर्ग ले लिया, 5 5 25 गुणा 96, क्योंकि हमको 96 के लिए निकालना है, 96 के लिए कितना होगा? बटे 360, 20.93। यशपाल राणा आपका जवाब एकदम सही है, बी आंसर है इसका, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है इस तरह से। थैंक यू वेरी मच, सबने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है, और समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेक्सागन। हेक्सागन किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की जो है, नहीं, जिस आकृति में 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम? षटभुज। ये षटभुज है, ये षटभुज है, ये इसका केंद्र है। केंद्र को अगर हम इसको भुजाओं ऐसे मिला दें तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज ये है, ये देख रहे हो, एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज ये है, और एक समबाहु त्रिभुज ये है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, अंडर रूट 3/4
ए स्क्वायर और यहाँ पे छह है, तो इस पूरे समलंब में इसका जो पूरे का हेक्सागोन, हेक्सागोन का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, कितना आ जाएगा 6 गुणा अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा का वर्ग, ये इसमें दिया हुआ है। ये कौन सा वाला आंसर है, ये है डी, ये डी है। मेरे चित्र नहीं आ पा रहे क्या चित्र मिंटू जी? हाँ सर, अभी अभी बंद हुआ है। बंद हो गया, अच्छा उसकी वजह से नहीं आ रहा हुआ है। चलिए ये समझ में आ गया, ये आ गया समझ में। देखिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन भी करके बता दिया है, यानी कि किसी भी सम जो हमारा हेक्सागन वो होगा, हेक्सागन 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 का जो होगा, हेक्सागन का क्या होगा, छह उसमें समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स मैंने कल आपको बताया था, इलिप्स मैंने जो कल आपको बताया था क्या बताया था, इलिप्स में, इलिप्स जो अंडाकार आकृति होती है, कैसी होती है, अंडाकार आकृति इस तरह से होता है, ये ऐसे, सॉरी ये किस तरह से होता है, ये जो है ये अंडाकार, ये एक इसका एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ये मेजर एक्सिस, बड़ा वाला जो मेजर एक्सिस कहलाता है, क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस, और छोटा वाला क्या कहलाता है, माइनर एक्सिस, ये जो क्या है 10 और 5 और 3 है, ये 5 है बड़ा वाला, ये 3 है, क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या बताया था मैंने, पाई गुणा ए गुणा बी, पाई कितना 3.14 या 22/7 गुणा 5 गुणा 3, इन तीनों की गुणा कर दीजिएगा आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, पाई ए बी 8 को 8 से 24 ये सब गुणा करेंगे तो आपका ये जवाब आ जाएगा, 5 से 15 सॉरी 15 से 45 और ये 47 सेंटीमीटर वाला जवाब आ रहा है सी, ये जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कल बताया था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हूज साइड इज 25 सेंटीमीटर, ये फार्मूला भी ये हमने कल क्वेश्चन बताया था, इसका जवाब इन्होंने बता दिया पहले ही, संजना ने सी जवाब बता दिया, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, देखिए किस तरह से होता है क्यूब, किस तरह से होता है ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्यूब कैसे बनाते हैं, क्यूब कुछ इस तरह का होता है, सामने से ऐसे दिखाई देगा और साइड में इस तरह से होगा, ये वो पिंटू जी की तरह नहीं बना रहा मैं, पिंटू जी ईडी में एक्सपर्ट है, ये वाली जो डॉटेड है ये दिखाई नहीं दे रही भुजा, ये समझ में आ गई, तो इसमें जो आप देख रहे हो एक तो भुजा ये वाली है, मतलब भुजा क्या, एक एक तो सरफेस ये है और एक जो इसके अपोजिट साइड में ये वाला जो पीछे जो दिखाई दे रही है पीछे वाला, एक ये है, दो हो गए, और इधर साइड में एक ये है साइड में, ये एक ये साइड में और इसके अपोजिट साइड में ये है, और एक ऊपर ये है, ऊपर ये वाला, ऊपर ऊपर का ये है, ये वाला ऊपर का, और नीचे वाला ये है, समझ गए, टोटल कितने होंगे, एक साइड का एक ये है और इसके अपोजिट साइड का ये है, एक सामने वाला ये वाला है, ये सामने वाला ये दिखाई दे रहा, सारी लाइन खींचने पर पता नहीं चल पा रहा होगा आपको, इसके अपोजिट सामने वाला ये है, ये वाला, ये वाला, तो इसका जो भुजा 25 है, तो एक एक का एक का क्षेत्रफल कितना आ गया, 25 गुणा 25 625, और इस तरह की 6 सरफेस हैं, 6 गुणा 625 6×6=24 और 25×6=150 6×6=36 3750, कितना 3750, इसका जवाब 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, समझ में आ गया क्वेश्चन पिंटू जी? जी सर।
समझ मारा, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कास्ट आयरन बार हुज लेंथ विड्थ एंड हाइट आर 20, 15 एंड 12 मीटर। ये मैं आपको बताकर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए कैसे होता है ये, यहाँ दिखेंगे आप, इस तरह की आकृति है कुछ, ये देखिए, ये इस तरह से है, सामने एक ऐसी सरफेस है, ये ऐसे 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 और ये डॉटेड है, ये इस तरह का है। इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कास्ट आयरन लेंथ कितनी है, 20। इसकी लेंथ ये 20 है, चौड़ाई कितनी है 15, ये 15 है, हाइट कितनी है 12। तो हम देखेंगे अगर जैसे वाला एक हमारा ये है, ये कितना होगा 20 गुणा 12, एक ये वाला है, ये कितना है 15 गुणा 12, और एक कौन सा है, एक हमारा ये वाला है, ये वाला, इसमें ये कितना, ये 20 है, और ये कितना, ये 15 है, प्लस 20 गुणा 15, और ये सब दो दो हैं, ऊपर वाला है तो ये नीचे भी है, इधर साइड में तो इधर साइड में, इधर पीछे तो इधर, ये सामने है ये वाला। तो इसलिए हमारा इसका फार्मूला क्या है, 2AB+BC+CA, 2 20 गुणा 15 जमा 15 गुणा 12 जमा 20 गुणा 12। 20 गुणा 15 कितना हो गया 300, 15 गुणा 12 कितना हो गया 180, 12 5 60, 12 12 180, 20 गुणा 12 ये कितना हो गया 20 गुणा 12 240। इन तीनों को जोड़ दिया कितना आ गया, 4 8 12, 3 1 4 तो 6 7, 720, और इसका दुगना कर देंगे गुणा 2 1440, कितना आ गया 1440 वर्ग मीटर। समझ में आ गया, इस तरह के उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या, 2 गुणा AB+BC+CA, 2 गुणा ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला है, और 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दो दो सरफेस होती हैं। इस क्वेश्चन का जवाब निकल के आ जाएगा 1440 है इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के पूर्ण वृष्टीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूं आपको, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिएगा यहां पर, देखिए ये इस तरह से होता है सिलेंडर जो होता है, कोई भी इस तरह से होता है सिलेंडर, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये जो क्या है, ये इस तरह से होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये देखने में इस तरह लग रहा है, पर ये गोला है, सर्कल है ये, और ये भी देखने में ऐसा लग रहा है, ये भी एक सर्कल है, और ये है। तो इसका जो संपूर्ण, इन्होंने पूछा टोटल सरफेस एरिया पूर्ण पृष्ठ, तो क्या होगा, एक तो साइड का होता है, ये साइड का, ये चारों तरफ का घूम का पूरा चारों तरफ का, और नंबर दो ऊपर का, नीचे का और ऊपर का। तो ये जो संपूर्ण प्रश्न है ना, ये वाला साइड का, इसे हम वक्र प्रश्न कहते हैं। वक्र प्रश्न निकालने का तरीका क्या है, 2πr×h, इसको परिधि को हाइट से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यदि हम परिधि को 2πr को h से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाता है, और ऊपर वाला कितना, ये पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे कितना, ये भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, 2πr h + 2πr2, 2πr कॉमन आ गया, 2πr कॉमन, r प्लस h या h प्लस r हाइट प्लस ये एच प्लस आर, ये वाला फार्मूला आ गया इसका। ए 209 का जवाब क्या आ गया, 2πr h + r, ये संपूर्ण प्रश्न है जिसमें चारों तरफ का भी शामिल है, ये वाला जो चारों तरफ का और ऊपर का भी शामिल है, ऊपर का ये और नीचे का भी शामिल है, ये समझ
का निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कभी संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है, वक्र पृष्ठ की बात आती है, हम क्या करेंगे, परिधि में हाइट से गुणा करेंगे। और यदि आयतन निकालने की बात आती है, आयतन की ये फार्मूला थंब रूल है, और यदि आयतन निकालने की बात आती है तो क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में हाइट से गुणा कर देते हैं। ये मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। और यार मुझे पता ही नहीं चला गलत में 12 भी बज गए, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 210, व्हाट इज द वॉल्यूम। देखिए अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 210, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 30 मीटर लेंथ, 20 मीटर लेंथ एंड 10 मीटर हाइट। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका आयतन निकालने का तरीका क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन का लिखो, अपनी कॉपी पे लिख लो बच्चों, आयतन का किसी भी इस तरह की जो आकृति है ना, इसका रेक्टेंगुलर जो है टैंक है, इसका आयतन निकालने का तरीका क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 30 गुणा 20 गुणा 10, कितना आ गया, 6000, 6000। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ गया, 6000। और इसका जो मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। यशपाल राणा सही जवाब, बी सही जवाब है, संजना शिवम आपका भी जवाब मीटर क्यूब, 6000 क्यूबिक मीटर। निर्भीक सिंह आपका जवाब एकदम सही है। और क्वेश्चन नंबर 211, 211 नंबर क्वेश्चन क्या है, 211 नंबर क्वेश्चन है, 211 नंबर क्वेश्चन, 211 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी एक मिनट पहले ही बताया था, यदि सिलेंडर में आयतन निकालना तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसका पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7, पाई 3.1 है, ये 3.14, पाई नहीं 2 पाई, पाई आर एच नहीं, पाई आर स्क्वायर। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए हम हमेशा पाई आर स्क्वायर में, यानी कि जो उसका आधार का जो क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, उसको हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तक तो ही रखो, मेहरा जी को बुला लेना, पाई आर स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि हमें वक्र पृष्ठ निकालना होता तो हम क्या करते, 2 पाई आर, यदि हमको वक्र पृष्ठ निकालना है तो हमको 2 पाई आर को एच से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, मैं अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए, समझाने के लिए दोबारा से यहाँ पे करने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, मैंने ये कहा है कि देखिए मैंने ये कहा, ये इस तरह का सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल देना, इसका पाई आर स्क्वायर और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट कौन होता है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट है, ये हाइट है एच, हाइट इसको हम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अगर हमको आयतन निकालना है, आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा आर कितना है, आर कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा 7 गुणा हाइट कितनी है, 12, इस 7 से 7 कट जाता है, तो 22 गुणा 7 गुणा 12, इन तीनों की गुणा कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, तीनों की गुणा कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, 1848 आ जाएगा, ये डी है इसका जवाब। और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कई बार सबसे पूछता हूँ ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस और सर्कल में क्या अंतर होता है, गोला, यहाँ पे देखो उन्होंने गोला लिखा हुआ है स्फीयर के लिए, पहले क्वेश्चन में वृत्त के लिए, सेमी सर्कल के लिए उन्होंने अर्ध गोला लिख दिया, वो अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त। वृत्त और गोले में अंतर क्या होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, वृत्त ये होता है, ये 2 डायमेंशनल है, इसमें बस इसका क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला बताया था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ पाई आर स्क्वायर, और परिधि का निकाला हुआ 2 पाई आर, और एक हमारा गोला होता है, गोला, गोला हमारा ये होता है 3 डायमेंशनल, जैसे बॉल होती है ना, गेंद होती है,
और ये जो व्रत होता है ये इस तरह होता है, जैसे कोई डिश होती है ना, डिश प्लेट होती है, प्लेट जिसकी उसमें आयतन आयतन नहीं होता उसका। इसका फार्मूला है 4/3 πr³। कितना फार्मूला है? 4/3 × 22/7, 22/7 × 22/7, सॉरी 22/7 × नहीं, 4/3 × 22/7 × 7 × 7, क्योंकि त्रिज्या का गोले का त्रिज्या उसकी त्रिज्या कितनी है? 7। 7 × 7 × 7, इनकी गुणा कर लीजिएगा सबकी, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 4/3 आयतन का फार्मूला क्या है? 4/3 πr³। आर कितना है? 7। ये इसका जवाब आ जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213। अब देखो टाइम हो गया, वैसे तो मैं बंद करता हूं, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन बताया दे रहा हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ हैविंग आउटर रेडियस आर एंड इनर रेडियस आर, आर और ऊंचाई एच है। हम बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम घटा देंगे, πr² − r² × h। ए जवाब आ जाएगा इसका। कितना जवाब आ जाएगा? ए, πr² कैपिटल आर वाला बाहर का है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी करके बताया था आपको, वृत्त का क्षेत्रफल में यहाँ पे क्या होगा, बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल टैंक ऑफ रेडियस 213 का? ए जवाब आ गया। और कॉनिकल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो है कैपेसिटी माने वॉल्यूम। कॉनिकल किसे कहते हैं? शंकु। शंकु के आकार का कौन सा होता है? शंकु के आकार का ये होता है, ये इस तरह का, ये शंकु है, ये डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, ये शंकु है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है। ये क्या करेंगे? πr² 1/3 πr² × h, ये इसका आयतन है, इससे निकाल लेंगे आप इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 214 को आप इससे निकाल लेंगे, शंकु के लिए। शंकु का आयतन का क्षेत्रफल क्या, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 πr² × h। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल रेडियस सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर एंड हाइट 100 सेंटीमीटर कैन होल्ड? ये सिलिंड्रिकल है, बेलन के आकार का है, πr² × h। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 215 में हिंट लिख लो, इसका निकालने का तरीका क्या? πr² × h। आर कितना है? 75 सेंटीमीटर। एच कितना है? 100 सेंटीमीटर। पाई कितना है? 3.14। फॉर्मूला क्या है? πr² × h। सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला क्या है? πr² × h। इसका जवाब आ जाएगा, इसका जवाब वैसे ए है, ए। क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 216, ये डॉक्टर शशि किरण ने बता दिया कि आ जाए, मैं आईटीआई पे हूँ, पहुंच चुका हूँ, कितने मारी है इनको, हमको वहां जाना है अभी। इस पर 216 नंबर क्वेश्चन का क्या है? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हैविंग रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर? टोटल ये भी सिलेंडर का है, इसका क्या निकालना? सरफेस एरिया। मैंने क्या बताया था? सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? πr² 2πr को हाइट से गुणा करेंगे, और आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? πr² को हाइट से गुणा करेंगे। ये थंब रूल याद कर लीजिएगा, अगर आपने ये याद रख लिया तो कभी गलती नहीं करोगे। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ऊपर और नीचे का और जोड़ देंगे, क्या करेंगे? वक्र प्रश्न निकालने के लिए 2πr को h से मल्टीप्लाई r² हो गया, इसलिए फार्मूला हो जाता 2πr और अंडर द ब्रैकेट r + h। देखिए मैंने ये बताया था पहले भी आपको, फिर दोबारा बता देता हूँ फार्मूला, ये मैं यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ, ये इस तरह से बताया था मैंने, ये इस तरह से मैंने बताया था, यदि क्षेत्रफल हमें अगर आयतन निकालना है, आयतन आयतन निकालने के लिए πr² में h से मल्टीप्लाई करेंगे, h ही है हाइट है, r रेडियस है, ठीक है, और वक्र पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? 2πr में h से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर संपूर्ण निकालना तो ऊपर का ये πr² और ये भी πr² है और ये भी πr², इन दोनों को 2πr² हो गए, तो ये क्या हो गया? 2πr कॉमन ले लिया हमने, r + h, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे,
इस वाले क्वेश्चन में, जबकि आर कितना है, आर है हमारा 2 मीटर और एच कितना है 5 मीटर है। ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल जिसे कहते हैं, ठीक है। क्यों सिंपल है, क्योंकि 2 × 22/7 गुणा आर कितना है 2 × r + h कितना होगा 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 44 × 88, 88 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। और नेक्स्ट, क्षेत्रफल नहीं इसका जो मतलब वक्र पृष्ठ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 क्या है, और मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है क्या, कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, ये भी बिल्कुल सिंपल है, 2πr × h, क्या है 2πr × h, क्वेश्चन नंबर 217 का जवाब आ जाएगा। ये क्या है, इसमें संपूर्ण वक्र प्रश्न नहीं पूछा, केवल कर्व्ड सरफेस पूछा है, सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्या करेंगे, मैंने बताया था वक्र प्रश्न निकालने का तरीका क्या है, 2πr × h, r कितना है 10 सेंटीमीटर, h कितना है 20 सेंटीमीटर, 2π की जगह पे क्या लिख देंगे 22/7 या 3.14 गुणा 20 × 10, इसका जवाब आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये यदि हम किसी शंकु को काट देते हैं, ये पूछ रहे हैं इस आकृति का नाम क्या है, इसको फ्रस्टम ऑफ ए कोण कौन कहते हैं, कोण का छिन्नक कहते हैं, छिन्नक। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली, ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, यदि हम किसी भी आकृति को काट दें, कैसे काट दें, देखिए ये हमारा शंकु है, शंकु हमने यहां से बीच में से काट दिया तो कैसा दिखाई देगा, ऊपर से ऐसा रह जाएगा, ये ऊपर का हिस्सा काट दिया ना हमने, ये वाला काट दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये छिन्नक कहलाता है, हिंदी में क्या कहते हैं छिन्नक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कॉन, क्योंकि कॉन को काटा ना हमने, कॉन ये था पूरा, हमने बीच में से काट दिया, कौन हमने बीच में से काट दिया, तो ये जो कट गया क्या कहलाते हैं, फ्रस्टम ऑफ कौन, सी जवाब है इसका। इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है।